हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी हम बनाने वाले हैं झटपट प्रेशर कुकर में। तो उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। तो मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया प्रेशर कुकर में। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़े से मसाले, 4 से 5 ब्लैक पेपर सीड्स ऐड कर रही हूँ, 4 से 5 क्लोव्स मैंने यूज करे हैं, थोड़े से सिनेमन स्टिक है और ये बे लीफ मैंने ऐड कर दिया है। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ग्रीन कार्डमम, एक क्रश किया हुआ, 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक को क्रश करके मैंने यूज़ करा है। अच्छे से इसको ऑयल में थोड़ा सा पका लेंगे लो फ्लेम पे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 3 चॉप किए हुए ऑनियन, इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पे पका लेंगे जब तक इसमें से गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता है। तो फ्लेम हमने लो ही रखनी है। देखिए कलर हमारा चेंज हो चुका है ऑनियन का। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से ड्राई मसाले। तो सबसे पहले ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच है लाल मिर्ची पाउडर का, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, नमक स्वाद अनुसार है, और 1 चम्मच है हल्दी पाउडर का। तो मसालों को अच्छे से पका लेंगे और ड्राई हो रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं, और इसको पानी ऐड करके पका लेंगे, मसालों को भून लेंगे। देखिए हो चुके हैं। तो उसमें हम ऐड कर देंगे हमारे टमाटर। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटर और ग्रीन चिलीज का पेस्ट। टमाटर लिए 5 से 6 ग्रीन चिलीज लिए हैं, चिलीज टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम पे मसालों में से ऑयल सेपरेट होने तक। तो आपको ये देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारे मशरूम और मटर हैं। तो मसालों को हमने अच्छे से भूनना है। मेन हमारे मसाले हों अच्छे से भुनने चाहिए, और जिस तरीके की आपको ग्रेवी चाहिए हो तो उसी हिसाब से आपने टमाटर और प्याज ज़्यादा लेने हैं। अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स कर देंगे, अपना नमक इसमें एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद हमने विसल कुकर को जो है लिड क्लोज कर देना है, और 3 विसल्स तक का हमने इसमें वेट करना है। देखिए विसल आ चुकी हैं, तो अब आप चेक कर सकते हैं। देखिए मटर हमारे पक चुके हैं, मशरूम भी अच्छे से पक चुके हैं, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी पनीर। तो मैंने फ्रेश पनीर इसमें कट करके यूज़ करी। आप चाहें तो इसको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, और 5 से 6 मिनट तक इस तरीके से पका लेंगे लो फ्लेम पे। ये हो चुका है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं रोस्टेड कसूरी मेथी, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। मिक्स कर देंगे, और ये देखिए हमारी टेस्टी यम्मी और हेल्दी जो है मटर मशरूम और पनीर की सब्जी प्रेशर कुकर में झटपट बनके तैयार हो गई है। बहुत इजी सी रेसिपी है, अब बैचलर्स के लिए तो बेस्ट है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद अनदर रेसिपी। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।